ब्रजेश चौहान हियर। तो यू नो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मास्टरी जो बंडल है ना बिज गुरुकुल के अंदर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये एक ऐसा बंडल है जो कि उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिससे आपका ज्यादातर कोई ऐसा बेनिफिट नहीं हो पाएगा इन फ्यूचर बिज गुरुकुल के अंदर। बट हाँ, आपका कोई माइंडसेट है कि हाँ कोई चलो सिर्फ मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ही करना है तब तक तो ठीक है, बट आपको अर्निंग करना है ना बिज गुरुकुल के थ्रू और आप मार्केटिंग मास्टरी ले रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग मार्केटिंग मास्टरी लेके इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज्यादा भाई मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, भाई मेरे से ये हो नहीं पा रहा है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों का ये मतलब लोड ले लेते हैं माइंड में, बट फिर उनकी अर्निंग नहीं होती करते हैं और फिर बिज गुरुकुल को इन शॉर्ट वो लोग गालियां देते हैं, तो ये गलत चीज है। ठीक है, बट मैं आपको आज बताऊंगा कि मार्केटिंग मास्टरी के अंदर है क्या और क्या क्या चीजें मिल रही है, क्यों आपको नहीं बाय करना चाहिए और क्यों आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर आप अच्छे से ये वाला वीडियो देखना, आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताइए कि मैं बिज गुरुकुल के बारे में बहुत सारे कंटेंट बना रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोज आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, तो मैं डेडिकेटेडली बिज गुरुकुल को कर ही रहा हूँ और लोगों को हेल्प भी कर रहा हूँ कि बिज गुरुकुल के थ्रू कैसे अर्निंग करना है। एक प्रोफेशनल अफिलियट मार्केटर आप बोल सकते हो, और उसके साथ साथ मैं लोगों को मेंटोर भी कर रहा हूँ, यानी कि मेंटोरशिप देता हूँ कैसे आप बिज गुरुकुल के थ्रू यू नो लर्निंग के साथ साथ कैसे अर्निंग कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज करनी होती है, सिर्फ मेरा रेफरल कोड या तो रेफरल लिंक से एनरोल करना होता है, उसी टाइम से उसी दिन से आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह चालू हो जाएगी। जैसे ही आप एनरोल करोगे आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें करनी क्या है। ठीक है, तो फटाफट से टॉपिक पे आते हैं, आपको बताइए आप मेरे नए आए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो ये है बिज गुरुकुल का प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिज गुरुकुल की, यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, ये है मार्केटिंग मास्टरी, जस्ट मिनट देखो, ये मार्केटिंग मास्टरी है। मार्केटिंग मास्टरी में सिर्फ गाइस एक ही कोर्स आपको मिल रहा है, समझो आप मार्केटिंग मास्टरी में आप 1500 रुपये इन्वेस्ट तो कर लेते हो बट सिर्फ वन कोर्स ही आपको मिलता है। ठीक है, और वो भी डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, तो गाइस मैं आपको माई कोर्स के अंदर चला मतलब जाके बताता हूँ कि मार्केटिंग मास्टरी में आपको क्या और चीजें मिलती है। जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो तो है ही है गाइस। ठीक है, उसमें आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे, यहाँ पे जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो आपको मिल जाएंगे। आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ओपन करोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, ये सारे कंटेंट है जो मिल रहे हैं जहाँ पे जो मैं स्क्रॉल वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, वाई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, वाई डिजिटल मार्केटिंग, डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाता है ये पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। बट गाइज जब आप अर्निंग की बात कर रहे हो ना, तो गाइज अर्निंग आपका बहुत ही कम होगा। ठीक है, वो मैं आपको मेरे अफिलियट पैनल पे जाके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप बिज गुरुकुल के अंदर सिर्फ यहाँ पे समझ लो आपके पास सिर्फ मार्केटिंग मास्टरी है। ठीक है, तो आप सिर्फ 800 रुपये का कमीशन जनरेट कर पाते हो। आज ही एक पर्सन ने मेरे साथ मार्केटिंग मास्टरी का यू नो एनरोलमेंट किया और वो मेरे को बता रहा है कि भाई मेरे को है ना अभी पर सेल मेरे को 10,000 रुपीज अर्न करना है। पर सेल 10,000 अर्न करना बिज गुरुकुल के अंदर मतलब मार्केटिंग मास्टरी से तो पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है बट उसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग मास्टरी में सिर्फ आप पर सेल 800 रुपये का अर्न कर सकते हो, बाकी आपको ट्रेनिंग्स वगैरह जो मिलना है वो तो मिल ही रहा है, बेसिक चीज है। ठीक है, बट गाइज आपको बड़ा अर्निंग करना है ना, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मार्केटिंग मास्टरी से जाओ या फिर मार्केटिंग मास्टरी से एनरोल करो, क्योंकि आपको अफिलियट करके अर्न करना है ना, तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फाइनेंस मास्टरी से ही एनरोल करो। ठीक है, मैं आपका लॉग आउट करके, या तो आप मेरे ये वाले वीडियो के नीचे जाओगे ना तो आपको एक एनरोलमेंट लिंक मिल जाएगा जहां से आप सिलेक्ट करोगे, तो ये फाइनेंस मास्टरी, इन्फ्लुएंस मास्टरी, ट्रैफिक मास्टरी, ब्रांडिंग मास्टरी एंड मार्केटिंग मास्टरी। ठीक है, ये इसका प्राइस है, बट आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो MAN4340 तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। थोड़ा तो बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है क्योंकि ऑफिस बाजू के ऑफिस में ना काम चल रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, सॉरी गाइज फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही मेरा रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें है गाइज। आपको बड़ा अर्निंग करना है तो फाइनेंस मास्टरी से जाओ, बड़ा लर्निंग करना है तब भी आप फाइनेंस मास्टरी से जाओ। बाकी मैं आपको ये मतलब मार्केटिंग मास्टरी वाले जितने भी मेरे साथ मेरी टीम में है ना गाइज, वो सारे लोग मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, वो ऐसा चक्कर में आते हैं, इस बार सिर्फ मेरे को बिज गुरुकुल का जो छोटा वाला पैकेज है उससे मतलब ज्वाइनिंग करना है और मेरे को देखना है कि बिज गुरुकुल में क्या क्या है। देखो भाई, छोटे वाले करोगे कि बड़े वाले करोगे, उसमें फर्क क्या होगा कि बिज गुरुकुल में बड़ा वाला पैकेज आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मैंने बड़ा इन्वेस्ट किया तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी,
काम बड़ा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से आप जो जो इन्वेस्ट किया है ना वो रिकवर करने के लिए भी आप मेहनत करोगे। बट जब आप 1500 लगाओगे वो चला भी जाएगा तब भी आपकी लाइफ में कोई फर्क आने नहीं वाला, तब आप काम भी नहीं करोगे, काम नहीं करोगे मोटिवेट फील नहीं करोगे, तो फिर अर्निंग नहीं आएगी, अर्निंग नहीं आएगी तो फिर आप ये बीस गुरुकुल को ही छोड़ दोगे। फिर कोई बोलेगा बीस गुरुकुल कैसा है भाई, मैंने तो 10 लाख रुपये अर्न कर लिया, भाई कैसे अर्न कर लिए, फिर आपको ये क्वेश्चन आएगा। बट वो बंदा ने फाइनेंस मास्टरी से स्टार्ट किया इसलिए उसने बड़ा अर्निंग किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई फाइनेंस मास्टरी जैसे पैकेज में एनरोल करो, ठीक है। बाकी मार्केटिंग मास्टरी में आपकी मेहनत जाएगी, देखो एफर्ट तो दोनों में सेम ही लगाना है, फाइनेंस मास्टरी इसके साथ करो या फिर मार्केटिंग मास्टरी में सेल करो, ठीक है। बट आपके पास फाइनेंस मास्टरी होगा ना भाई, मेहनत तो इतनी ही लगने वाली है बट काम बड़ा हो जाएगा, यानी कि पैसा ज्यादा अर्न कर लोगे आप, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मार्केटिंग मास्टरी लेने से पहले एक बार सोच लो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।